नमस्कार जी, यहाँ हम बात करते हैं कि 3 सोर्स पावर सप्लाई के लिए एक ऑटोमेटिक चेंजओवर स्विच कैसे बनाएं। आमतौर पर 2 सप्लाई के लिए एक चेंजओवर स्विच लगाते हैं और 3 सप्लाई के लिए हमें 2 चेंजओवर स्विच लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसा चेंजओवर आपको दिखाएंगे कि जो 3 तरह की पावर सप्लाई के लिए काम करेगा, वो ऑटोमेटिक भी काम करेगा और मैनुअल तरीके से भी काम करेगा। आप चाहें तो 1 सप्लाई को चला सकते हैं, या 2 को चला सकते हैं, या तीनों को एक साथ चला सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। अमूमन कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत इमरजेंसी केस के लिए लगी होती हैं और उन्हें 2 या 3 पावर सोर्स के साथ चलाया जाता है। तो ये देखिए, हमारा 3 सोर्स की पावर सप्लाई के लिए एक ऑटोमेटिक चेंजओवर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम है। इसमें हमारे 3 कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, जिनमें NO और NC कॉन्टेक्ट बने हुए हैं और एक दूसरे से इंटरलॉक हैं। इसमें तीनों को कंट्रोल करने के लिए S1, S2 और S3 स्विच भी लगे हुए हैं। अगर हम किसी चेंजओवर को इसमें या किसी सप्लाई को हम ऑफ रखना चाहें तो इस स्विच की मदद से ऑफ कर सकते हैं। अगर हम तीनों पावर सप्लाई को ऑटोमेटिक मोड में रखना चाहते हैं तो इन तीनों स्विच को ऑन रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो कंटेक्टर फंक्शन में आएगा वही चलेगा। अगर वो सप्लाई ऑफ हो जाती है तो नेक्स्ट सप्लाई जो होगी उस पर हमारा सिस्टम आ जाएगा, फिर उस पर चलता रहेगा। अगर वो भी फेल हो जाती है तो हमारी तीसरी सप्लाई अगर आ रही है तो हमारा चेंजओवर उस पे ऑन हो जाएगा। अब अगर हम ये चाहें कि हम 2 नंबर सप्लाई को चलाना चाहते हैं तो 1 और 2 के S1 और S3 स्विच को बंद कर देंगे और 2 पे सिस्टम हमारा चलता रहेगा। इसी तरह से जिस किसी भी सप्लाई को हम चलाना चाहें और अपने आप सिस्टम ऑन हो, उस स्विच को ऑन कर देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस सिस्टम के थ्रू हम 3 सोर्स की सप्लाई को या तो ऑटोमेटिक मोड में चला लें या मैनुअल मोड में चला लें। इनमें से अगर कोई कंटेक्टर ख़राब भी हो जाता है तो भी हमारी सप्लाई चलती रहेगी और ये सिस्टम अच्छा काम करता रहेगा। इसमें अगर कोई एक कंटेक्टर ऑन है तो बाकी 2 कंटेक्टर ऑन नहीं होंगे, ऐसा इसमें सिस्टम बनाया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो बारीकी से देखने के बाद आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए काम का होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।